हेलो फ्रेंड्स, मीनूज़ रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे स्टफ़ शिमला मिर्च। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें, और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं जिससे कि मैं कोई न्यू रेसिपी डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। भरवा शिमला मिर्च बनाने के लिए ये मैंने 4 शिमला मिर्च ले लिया है, 50 ग्राम के पनीर ये ऑप्शनल है, एक बड़ी प्याज या 2 मीडियम साइज़ की प्याज, एक टमाटर, 2 से 3 हरी मिर्च, मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, 3 उबले हुए आलू, खड़े मसाले में सिर्फ जीरा, और मसाला पाउडर में लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर और गर्म मसाला पाउडर, ये सारे 1/4 टीस्पून लेने हैं। अब पहले हम शिमला मिर्च को काट लेंगे। काटने के लिए सिर्फ शिमला मिर्च को ऊपर की जो होती है उसको ऐसे काट के ये हटा लेना है और इसके अंदर की सफाई कर लेनी है। इसे अच्छे से फिर धो लें आप। बस ये हमारा शिमला मिर्च तैयार हो गया भरने के लिए। ऐसे करके हमें इसको खाली कर लेना है। अब चलिए हम इसे बनाते हैं। फिलिंग तैयार करने के लिए सबसे पहले हम एक बर्तन लेंगे, उसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। तेल जब गर्म हो जाए तब इसमें हम जीरा डालेंगे। जीरा जब चटकने लगे तब हरी मिर्च, और जितने भी हमने सूखे मसाले लिए हैं वो सारे डाल देंगे। बस 1 मिनट मसाला को भूनना है हमें। 1 मिनट भूनने के बाद प्याज जो छोटे छोटे टुकड़ों में काट के रखा था वो डाल देना है, और गैस को कम करके आप ये मसाला तैयार करें। नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट है, आप अपने हिसाब से नमक डाल लें। नमक को मिक्स कर देंगे और उसके बाद इसमें हम टमाटर डाल देंगे, वो भी अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में कटे हुए एक टमाटर। अब टमाटर को गलने तक पकाएंगे जब तक कि टमाटर गल ना जाए। टमाटर जब अच्छे से गल जाए तब इसमें हम जो हमने उबाल के आलू रखे हैं उसको मैंने अच्छे से मैश कर लिया है और वो डाल देंगे, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और 5 मिनट इसे भुनेंगे। पाँच मिनट भूनने के बाद अब इसमें हम धनिया पत्ता डाल देंगे, और जो हमने पनीर ग्रेट करके रखा है वो डाल देंगे। पनीर ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डालें और नहीं डालना चाहे तो नहीं डालें, और इसे बस अच्छे से मिक्स कर दें। ये हमारी फिलिंग तैयार हो गई है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। अब जो हमने फिलिंग तैयार करके रखी है अब वो हम शिमला मिर्च में भरेंगे। पहले अच्छे से इसमें भर देना है। ये सारे मिर्च में हमने फिलिंग भर ली है। अब हम इसको सैलो फ्राई करेंगे। अगर आप डीप फ्राई करेंगे तो ये जो आलू है वो बाहर आ जाता है, तो हम इसे सैलो फ्राई ही करेंगे। फैन लेंगे और उसमें हम
तेल को गर्म करेंगे। हमें सैलो फ्राई करना है तो हमें ज़्यादा तेल नहीं डालना है इसमें, और तेल को खूब अच्छे से गर्म होने दे। तेल जब खूब अच्छे से गर्म हो जाए तब जो ये जो हमने शिमला मिर्च भर के रखी है उसे हम डाल देंगे। हमें इसे चारों साइड से अच्छे से पकाना है, तो पहले हम नीचे का तला पकाते हैं फिर इसे पलट के पकाएंगे। एक तरफ से पक गया, अब हम इसे पलट देंगे और दूसरे साइड से सेकेंगे। ऐसे करके हम इसे हर साइड से सेक लेंगे। ये शिमला मिर्च अब तैयार हो गई है। ये चारों तरफ से हमने अच्छे से सेक लिया, अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये हमारी शिमला मिर्च फ्राई तैयार हो गई है।